तो गाइस यार आज का तुम्हारा भाई एक और न्यू वीडियो का ट्यूटोरियल करके वापस है। आज की इस वाले वीडियो में गाइस हम लोग ये वाला वीडियो को एडिट करने वाले हैं। अगर गाइस आप ये वाला वीडियो एडिट करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक वॉच करना गाइस। ओके तो यार बात करते हैं इस वीडियो के शूटिंग के बारे में, आपको किस तरीके से इस वीडियो को शूट करना होगा। सो यहाँ पर गाइस सबसे पहले आपको कैमरा एंगल को बिल्कुल नीचे में लेकर के जाना होगा गाइस। ओके एंड कुछ इस तरीके से आपको एडिटिंग करना होगा। एंड ध्यान रखा गाइस कि आपके पीछे कोई भी पेड़ पौधा ना आए, बिल्कुल खाली आसमान आना चाहिए, ठीक है? नहीं तो वहाँ पर जब हम उसको गायब करेंगे, स्काई को रिमूव करेंगे, तो वो पेड़ डिस्टर्ब करेगा वहाँ पर। इसलिए बिल्कुल आपको खाली जगह में वीडियो को शूट करना है। इस तरीके से वीडियो शूट करना काफ़ी ईजी है गाइस, आप लोग आसानी से शूट कर सकते हो। तो सर इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने जितने भी सारे मटेरियल को यूज़ करा ना, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक मिनट गाइस अभी मत जाओ, क्योंकि गाइस आप लोग मटेरियल को डाउनलोड कर लोगे, अपने वीडियो में यूज़ भी कर लोगे, लेकिन गाइस उसको सही से यूज़ करने नहीं पाओगे आप लोग। मतलब उसका कलर की रीडिंग कैसे करना है, उसमें क्या एनिमेशन डालना गाइस, वो आप लोग सही से अगर नहीं डाल पाओगे तो क्या फ़ायदा गाइस इन सारे मटेरियल को डाउनलोड करके यूज़ करने का। एक बारी पूरा वीडियो देख लो, ज़्यादा लंबा नहीं होगा वीडियो गाइस। ओके सो गाइस ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हो, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस आ चुके हैं हम लोग काइन मास्टर ऐप पर, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको प्लस पर क्लिक करना होगा एंड यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा 9:16 का रेशियो में। ओके सबसे पहले गाइस आपको एक बैकग्राउंड को लेकर आना होगा स्काई को। ओके सो ये वाला कुछ स्काई को आपको यहाँ पर लेकर आ जाना होगा गाइस। ओके क्या हो रहा हो एंड आपको ये वाला ऑप्शन पर क्लिक करना गाइस एंड आपको कुछ ब्राउज़र वाले ऑप्शन पर आपको इधर से क्लिक करना होगा एंड अपने दोनों उंगली से पकड़ना गाइस बैकग्राउंड को। कुछ इस तरीके से आपको इसको जूम कर देना गाइस। ओके जूम करने के बाद आपको राइट पर क्लिक करना होगा एंड अगेन इस पर क्लिक करके इसका ड्यूरेशन आपको जो बढ़ा देना है के वीडियो के लेंथ के अकॉर्डिंग गाइस। ओके इतना कर लिए, अब यहाँ पर आपको ऐड करना होगा गाइस। देखो इस पर क्लिक करने के बाद अगर आप विग्नेट पर क्लिक करोगे तो कुछ अजब सा विग्नेट गाइस चारों तरफ से आ जाएगा। हमको ऐसा विग्नेट नहीं चाहिए, हमको सिर्फ ऊपर वाला एरिया ही ब्लैक चाहिए। तो हम क्या करेंगे गाइस इसको बंद कर देने वाले चलेंगे लेयर वाले ऑप्शन पर, मीडिया पर गाइस आपको विग्नेट वाला पीएनजी लेकर आना होगा। सो कुछ ऐसा आपका विग्नेट का पीएनजी होगा गाइस, इसको आपको पूरा जूम करना है, ठीक है? एंड इसको खिसका करके कुछ ऊपर से ऐसे नीचे रखना गाइस। देख सकते हो सिर्फ ये वाला एरिया ही ब्लैक है, ये वाला एरिया। ओके पूरे वीडियो में इसको आपको करना गाइस। ओके एंड यहाँ पर आपको जाना गाइस 3 डॉट पे, इसको एक डुप्लीकेट क्रिएट कर देना है। इसी तरीके से गाइस अब जितना ब्लैक रखना चाहते हो अब उतना इसको रख सकते हो। ओके जैसे कि मैंने यहाँ पर 3 रखा है, 3 नहीं गाइस मैं 2 ही रखूँगा। ओके हमको इतना ही ब्लैक चाहिए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे अपना जो वो ट्री होता है गाइस। ओके सो लेयर पर चलते गाइस एंड मीडिया पर चलेंगे। सो ये रहा गाइस अपना ट्री वाला पीएनजी एंड इसको हम लोग ऐसे बड़ा करेंगे गाइस। ओके एंड साइड में कुछ इस तरीके से थोड़ा और बड़ा करते हैं। ओके सो बड़ा करके कुछ और थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से गाइस आपको लगा देना है। इसका ड्यूरेशन आपको पूरी वीडियो के अकॉर्डिंग यानी कि पूरी वीडियो में कर देना गाइस। ओके अब यहाँ पर हम लोग ऐड करेंगे गाइस अपना वाला वीडियो। ओके जो अपना वीडियो होगा गाइस आपको क्लियर पर चलना है, मीडिया पर चलना है। सो ये रहा गाइस अपना वीडियो। ओके एंड यहाँ पर आपको एक चीज़ करना होगा कि गाइस आपको इस वीडियो का स्काई को कर लेना है ग्रीन स्क्रीन में। सो कुछ इस तरीके से गाइस आपको ग्रीन स्क्रीन में कन्वर्ट कर देना होगा गाइस आपको अपना वीडियो का स्काई को। ओके अगर आपको स्काई को ग्रीन स्क्रीन में कन्वर्ट करना नहीं आता गाइस तो इस तरीके से एक फोटो वाला थंबनेल होगा मेरे चैनल पर गाइस, एक वीडियो होगा कुछ इस तरीके से, आई बटन पर भी लिंक आ रहा होगा गाइस। आप लोग उस वीडियो को देख करके ईजिली जो आप अपने वीडियो का स्काई को ग्रीन स्क्रीन में कन्वर्ट कर सकते हो गाइस, ठीक है? ये वाला वीडियो देखने के बाद गाइस आप वाला वीडियो देख लेना एंड जाना सीधे आपको क्रॉपिंग वाले ऑप्शन पर नीचे गाइस, नीचे से गाइस आपको क्रॉप कर देना होगा इसको कुछ इस तरीके से। क्रॉप करने के बाद गाइस यहाँ पर आपको जाना क्रोमा की वाले ऑप्शन पे एंड कर देना इसको इनेबल। ओके उसके बाद की कलर आपको सेलेक्ट कर लेना गाइस हरा, ठीक है? एंड इसको आपको एडजस्ट करना होगा कुछ इस तरीके से गाइस, आप एडजस्ट कर देना इसका क्रोमा की अच्छे से रिमूव कर देना गाइस एंड यहाँ पर इसको बड़ा करते हैं हम लोग, ज़्यादा ही बड़ा हो गया, छोटू हो जा रहे बाबा, ठीक है? सो अब इतना सा हम इसको रखेंगे गाइस। ओके इतना कर दिए, यहाँ पर रख देंगे गाइस। ओके अब ये ऐड करेंगे गाइस हम अपना क्या बोलता है उसको ग्रास को, ठीक है? जो यहाँ पर लगाएंगे हम लोग, ठीक है? लेयर पर चलेंगे, मीडिया पर चलेंगे। सो ये रहा गाइस ग्रास वाला पीएनजी, इसका भी ड्यूरेशन हम लोग बढ़ा देंगे गाइस। ओके एंड यहाँ से इसको हम लोग इस तरीके से जूम करेंगे एंड कुछ इस तरीके से गाइस लगा देंगे। सो अब देखो गाइस वीडियो कैसा लग रहा है अपना, कहते हैं जहर। ओके हम लोग क्या करते हैं गाइस अपने इस ग्रास को थोड़ा सा ऊपर की ओर लेकर के जाएंगे, ठीक है? सो अब ये परफेक्ट है गाइस। ओके अब यहाँ पर गाइस हमको करना पड़ेगा कलर करेक्शन। वीडियो पर यहाँ जो गाइस सही से सेट हो चुका है। ओके कलर करेक्शन करेंगे एंड इसको एनिमेट भी करेंगे गाइस, ऐसे नहीं कि बस चिपका करके छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है?
तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस पहले इस लेयर पे आएंगे गाइस, ठीक है, जो अपना वीडियो वाला होगा लेयर बनेगा, इसके जो वीडियो वाला मेन वाला वीडियो होगा बस, ओके यानी जाना गया सबको एडजस्टमेंट वाला ऑप्शन पे, सीधे यहाँ पर आपको आना होगा इस टेम्परेचर वाला ऑप्शन पे, यानी इसको आपको हाई कर देना है कुछ इस तरीके से गाइस, आपका यानी कि स्काइप हो जाएगा गाइस, ओके। एंड यहाँ पर आना गया सबको अपने वीडियो पे, एंड जाना गया इसका एडजस्टमेंट वाला ऑप्शन पे, एडजस्टमेंट में अनबॉक्स गए सिंपल, यहाँ पर आपको क्या करना होगा, ब्राइटनेस को हल्का कम करना है, एंड अगर हल्का सा कम करोगे गाइस तो ये पूरा ब्लैक हो जाएगा, आपको सिर्फ थोड़ा सा गाइस कम करना होगा कुछ इस तरीके से, देख सकते हो गाइस कुछ इस तरीके से थोड़ा सा मैंने इसको कम कराया, ओके। एंड लुक कुछ आप ऐसा देख सकते हो गाइस, अब यहाँ पर आना होगा आपको ये ग्रास वाला पीएनजी पे, ओके। सो ये रहा गाइस अपना ग्रास वाला पीएनजी, सीधे जाएंगे ब्राइटनेस एडजस्टमेंट वाले ऑप्शन पे, इसका भी ब्राइटनेस हम लोग कम कर देंगे गाइस कुछ इस तरीके से, इसको भी आपको ब्लैक कर देना होगा गाइस, ओके। अभी यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं गाइस कि थोड़ा सा हम लोग प्ले करके देखते हैं, सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं थोड़ा सा झिलझिलाट सा आ रहा है अपने वीडियो पे, ओके। क्या करेंगे गाइस इस वीडियो पे आएंगे, ओके, एंड क्रोपिंग पे जाके गाइस साइड साइड गाइस को हम लोग क्रोप कर देंगे, ठीक है ना। सो कुछ इस तरीके से करने को गाइस, एंड इसको थोड़ा सा हम लोग नीचे भी रख लेते हैं गाइस, ये हो गया गाइस, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है यार मेरे से, अभी ये परफेक्ट लग रहा है गाइस, अभी थोड़ा सा और प्ले करके देखते हैं हम लोग। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो गाइस ऑसम लग रहा है देखने में अपना वीडियो, ओके। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे गाइस, हमको करना होगा कि एनिमेशन, उससे पहले हम लोग को करना होगा गाइस यहाँ पर हमको लगाना है अपना लिरिक्स वाला वीडियो को, ठीक है। तो फटाफट से चलते हैं लेयर पे, इन चलते हैं मीडिया वाले ऑप्शन पर गाइस। सो कुछ इस तरीके से गाइस आपका लिरिक्स वाला वीडियो होगा, ओके। यहाँ पर आपको क्या करना गाइस, सीधे जाना है ब्लेंडिंग वाला ऑप्शन पर, यहाँ से आपको सेलेक्ट करना होगा स्क्रीन, स्क्रीन सेलेक्ट करने के गाइस इसको आपको थोड़ा सा बड़ा करके इस तरीके से यहाँ पर लगाना होगा, एंड थ्री डॉट पे क्लिक करना गाइस, सेंड टू बैक पे क्लिक कर देना है, एंड यहाँ पर आपको क्या होगा कि ये जो पूरा नीचे यानी कि पीछे चले जाएगा आपके हर एक इफेक्ट के पीछे, यहाँ पर आपको क्या करना गाइस, जो भी आपका विग्नेट वाला पीएनजी होगा गाइस उसको आपको फिर से सेंड टू बैक करना है, एंड ये कुछ इस तरीके से वाइट हो जाएगा गाइस। सो एक और है मेरे पास, सो आप लोग देख सकते हो गया गाइस काफ़ी ईजिली। अभी यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे गाइस, एक लास्ट चीज़ बचता है हम लोग का, वो है गाइस इसको एनिमेट कैसे करना है। यहाँ पर आना गाइस आपको सबसे पहले बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पे, ओके, एंड जाना गाइस इस वाले ऑप्शन पे, एंड यहाँ से सबसे पहले आपको ब्रावर पे हटाना होगा, ओके। यहाँ पर स्टार्टिंग पोजीशन पे आपको क्या करना गाइस, थोड़ा सा जूम करना है, ओके, दोनों उंगली से पकड़ के आपको जूम करना होगा गाइस, एंड बिल्कुल ही साइड में कुछ इस तरीके से खिसका देना है, एंड जाना गाइस आपको एंड पोजीशन पे, एंड उसी हिसाब से गाइस आपको थोड़ा सा एडजस्ट करके देख लेना है, एंड ये एनिमेट हो गया गाइस। सो आप लोग देख सकते हो बैकग्राउंड अपना धीरे 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 उधर की तरफ जा रहा है, ओके। सेम चीज़ गाइस यहाँ पर हम लोग इस ग्रास पे भी करेंगे, ठीक है, ग्रास ग्रास। सो ये ग्रास वाला पीएनजी ये रहा गाइस, ओके। हम लोग क्या करते हैं गाइस, इसको इसकी एनिमेशन वाले ऑप्शन पे जाएंगे गाइस, चाबी वाले ऑप्शन पे, एंड पोजीशन पे आएंगे गाइस, ओके, एंड स्टार्टिंग पोजीशन पे, एंड पोजीशन पे आने गाइस यहाँ पर आपको प्लस कर देना होगा, स्टार्टिंग पोजीशन पे आना गाइस, एंड उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको ये जो दिख रहा है इसको आपको खिसका करके थोड़ा इधर की तरफ लेकर के आना होगा, ओके। इधर की तरफ लेकर के आओगे तो आपका घास जो है गाइस वो इधर की तरफ खिसकेगा, आप जिधर चाहो उधर एनिमेट कर सकते हो, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है गाइस, एंड आप चाहो तो आप अपने इस वाले बॉडी को भी साथ ही साथ गाइस आप पेड़ को भी एनिमेट कर सकते हो काफ़ी ईजिली सेम इसी तरीके से गाइस। सो यहाँ पर गाइस अपना पूरा का पूरा वीडियो एडिटिंग जो खत्म होता है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो गाइस ऑसम लग रहा है इस वीडियो देखने में। सो आई होप कि गाइस आपको आज का ये वाला वीडियो पसंद आएगा, अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यार इस तरीके के वीडियो एडिटिंग हम अपने जयपुर लाते रहते हैं। तो सब ऐसे ग्रुप तक ले जाएंगे, जय भारत।